राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी भाइयों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ वृंदावन के एक प्रसिद्ध महाशक्ति पीठ चामुंडा देवी मंदिर पर। वृंदावन का यह चामुंडा देवी मंदिर 51 महाशक्ति पीठों में से एक है। यह मंदिर वृंदावन के केसी घाट से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और वृंदावन के प्रेम मंदिर से यह मंदिर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप वृंदावन के लोकल बैटरी रिक्शा के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये वृंदावन का वह स्थान है जहाँ पर माता सती देवी के केस गिरे थे। कहा जाता है कि सतयुग के इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने जब अजगर को मुक्ति दी थी, अजगर को मुक्ति देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर आकर माँ चामुंडा जी के दर्शन किए थे। यह मंदिर सांडिल्य ऋषि की तप स्थली भी बताई जाती है। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी ने इसी मंदिर में सिद्धि प्राप्त की थी। इस मंदिर में विराजमान चामुंडा देवी नंद बाबा की कुलदेवी भी बताई जाती हैं। दोस्तों, हम मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। नवरात्रि के दिनों इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। दूर दूर से लोग यहाँ पे माँ चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता भी है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई मुराद माँ चामुंडा उनकी ज़रूर पूरी करती हैं। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर माँ चामुंडा देवी की कोई मूर्ति स्थापित नहीं कर रखी है। यहाँ पर माँ खुद स्वयं प्रकट हुई हैं। सामने दोस्तों आप देख रहे हो, दोस्तों ये है माता चामुंडा देवी का मंदिर। आइए मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ, मंदिर के अंदर से माँ चामुंडा देवी के दर्शन कराता हूँ आपके। दोस्तों, इस मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो ये मंदिर प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। अभी दोस्तों दोपहर के 1 बज रहे हैं और मंदिर बंद हो चुका है। मैं फिर भी आपको अंदर जाकर माता जी के दर्शन करा दूँगा। आइए दोस्तों मेरे साथ। आप देख सकते हो दोस्तों, ये मंदिर कितना खूबसूरत बना हुआ है। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, माँ चामुंडा देवी का दरबार है सामने। मैं थोड़ा जूम करके आपको माँ के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, दर्शन कर लीजिए माँ चामुंडा देवी के। एक बार मेरे साथ मिलकर माँ के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। बोले माँ चामुंडा देवी की जय हो। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता के नाम का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। दोस्तों, स्वयं आप माँ चामुंडा देवी के दर्शन कर रहे हैं। ये कोई प्रतिमा नहीं है दोस्तों, माँ खुद स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई थी। आप दोस्तों देख सकते हो। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर माँ चामुंडा देवी का यह दरबार है। आप कभी भी वृंदावन आएँ तो माँ चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। आइए मैं आपको मंदिर के चारों तरफ का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जोत वगैरह जलाई जाती है। यहाँ पर माता के पैरों के निशान हैं, ये देखिए। दोस्तों, अब वीडियो को मैं ही समाप्त करूंगा। आपको मैंने इस मंदिर के बारे में और इस जगह के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि मंदिर की क्या टाइमिंग है, यहाँ आप कैसे पहुँचें, कैसे आएं, प्रेम मंदिर से कितनी दूरी पर है, कैसी घाट से कितनी दूरी पर है, सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत देश के ऐसे ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही धार्मिक जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इस जगह के बारे में उन्हें ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी यहाँ पर आ सकें और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अब मैं निकलता हूँ मथुरा और वृंदावन के ऐसे ही और प्राचीन मंदिरों की खोज में। राधे राधे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।